जनपद संभल के चंदोसी में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभ संध्या पर रोटरी क्लब चंदोसी लक्ष्य द्वारा रोटरी सभागार बिसोली गेट चंदोसी में 250 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष रोटेरियन अशोक गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में चीफ असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन सुनील अग्रवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर रोटेरियन सुरेश चंद्र अग्रवाल तथा डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर सौरभ वाषणे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रोटेरियन अशोक गुप्ता द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण करके किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रोटेरियन सौरभ वाषणे ने की। सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। इससे पूर्व रोटरी क्लब चंदोसी लक्ष्य द्वारा 5 जुलाई से 8 जुलाई तक 100 शिक्षकों तथा 12 जुलाई से 31 जुलाई तक 50 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलाया गया। इसके प्रशस्ति पत्रों का वितरण भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। 150 शिक्षकों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के अंतर्गत 101 शिक्षक व शिक्षिकाओं को नेशनल बिल्डर अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस सम्मान समारोह में चंदोसी इंटर कॉलेज चंदोसी, अक्रूर जी कन्या पाठशाला, SM इंटर कॉलेज, न्यू सत्यम अकेडमी, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन अकेडमी के साथ साथ 100 सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सम्मान किया गया। रोटरी क्लब चंदोसी लक्ष्य नेशनल बिल्डर अवार्ड आज आप लोगों ने दिए हैं टीचरों को, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बड़ा सम्मान का है, क्योंकि टीचर्स वैसे ही सम्मानित हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, गुरु कहलाते हैं, और वो आज बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए खुद पहले शिक्षा और प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छा विषय है, और इसमें महिंद्रा की तरफ से ये स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है, इसकी बहुत थोड़ी मिनिमम कोर्स होती है जो रोटरी क्लब के द्वारा दी जाती है। टीचर से कोई पैसा नहीं लिया गया है, क्योंकि रोटरी एक सामाजिक संस्था है। रोटरी चाहती है कि देश का हर बच्चा सब पढ़े लिखे, कोई भी नहीं रहे। रोटरी का मिशन है 2025 तक हिंदुस्तान में कोई भी अलिटरेट ना रहे, सभी पढ़ लिख जाएं। इसी मिशन में रोटरी आगे बढ़ रही है और ये सेवा कर रही है। निस्संदेह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और टीचर्स को सम्मानित करके इन्होंने खुद को हमने बनवादी महसूस किया, और टीचर्स हमारे समाज को शिक्षित करने वाले हम और बच्चों को एक अच्छी नींव रखने वाले व्यक्ति हैं। आज की जो शिक्षा हम दे रहे हैं उससे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या पढ़ाई करेंगे, उससे हमारा देश का और राज्य का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।